आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कार्तिक मास का 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा, आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन पृथु, प्राचीन काल में सरहादी क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इस मंत्र का जाप करने वाला था तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घूर घूर शब्द करती हुई, ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्र जल उस पर फेंक दिया। इस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैंने ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोले और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन दिया। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि हे महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्टा खाने वाली शकुरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके यह बताइए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा, वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गए। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर मैं तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होंगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त हुआ।